जब लोग समाज की या आध्यात्मिक पटल की विसंगतियों पर चर्चा करते हैं तो कुछ लोग उनका ध्यान भटकाने के लिए या फिर वो विसंगतियों पर आवाज न उठा सके उसके लिए उन्हें कुछ धार्मिक ग्रंथों के या आध्यात्मिक पटल के कुछ ऐसे सवाल देने की कोशिश करते हैं जिससे संबद्ध पक्ष उस विषय से विराम कर ले और उनके सवालों का जवाब खोजने लग जाए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं कुछ ऐसे मैसेजेस देख रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ। जिस व्यक्ति को जैन धर्म या तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादा शास्त्रों का इतना ज्ञान है, वो श्रीमान ये सवाल कभी संतों से, आध्यात्मिक पटल के पथिकों से भी पूछ कर देखते। उन्हें पता चलता कि उनके सवालों के उनमें से कितने लोग जवाब दे सकते थे। अफसोस इस बात का है कि जब सामाजिक विसंगतियों पर बात करने वाले व्यवहारिक पक्ष से अपनी बात रखते हैं तो फिर जवाब मिलता है शास्त्र की बात और शास्त्र के सवाल। ये लोग खुद जानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं यह शास्त्र की आगम की जब भी कोई बात करते हैं तो उनके विशेषज्ञ के आधार पर करते हैं, उनके जानकारों की राय के आधार पर करते हैं। हम या हमारे जैसे कुछ लोग ये नहीं कहते कि हम आगम के या तेरापंथ की मर्यादा के या भगवान महावीर की वाणी के कोई खास जानकार हैं। और जब हम ये नहीं कहते तब अगर जवाब मिलना चाहिए तो फिर सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती है, जो वीडियो आते हैं, उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए, उनके सवालों पर परिचर्चा होनी चाहिए, उन पर उनका कोई जवाब नहीं है। आगम की बात आएगी, मर्यादा की बात आएगी, अरे इनके जवाब तो किताबों में भी मिल सकते हैं, हमारे सवालों के जवाब कौन देगा? यानी जब मैं हमारे कहता हूं तो इसका मतलब साफ है, मेरी तरह जो लिखने वाले, बोलने वाले, सामाजिक विसंगतियों पर अपने सवाल करने वाले, मैं उनकी बात कह रहा हूं। यह कोई नहीं बताता कि पंथ का विस्तार, पंथ की इतनी बड़ी बात इस रूप में जो कि विवादास्पद बन जाए, यह क्या उचित है? यह कोई नहीं बताता कि हमारे समाज में श्रावकों को जैन धर्म के दूसरे संप्रदाय या किसी अन्य धर्म, या बहुत सारे संत गुरु हैं, ज्ञानवान हैं, उनके उपदेशों को सुनने और मनन करने की कितनी आजादी है? कोई यह नहीं बताता कि क्या हमारे यहां फिर शपथ पत्र नहीं भरवाए जाते, नहीं भरवाए गए? सवाल जो उठते हैं जवाब उनका होना चाहिए। ये विषयांतर करने की प्रवृत्ति ये अनुचित है, और विशेषकर अगर वो सम्माननीय व्यक्ति करे जो ग्रंथों के जानकार हैं, जिन्होंने अध्ययन मनन किया है। और अगर सवाल ही पूछने हैं तो इस पटल पर भी कुछ लोग हैं, अगर आपको ग्रंथों से संबंधित जानकारी पूछनी है तो इस पटल पर भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछी जा सकती है।
विसंगतियों पर सवाल उठाने वालों को अगर हम वे सवाल पूछेंगे जिनका वो दावा भी नहीं करते और उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो इसका अर्थ क्या है? विषयांतर ही तो हुआ। एक कोशिश है कि जो सवाल उठा रहे हैं उनको हम कुछ दिनों के लिए हमारे सवालों के जवाब के लिए उलझा दें, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारा जो क्षेत्र नहीं होता हम उस पर बात ही नहीं करते और हमारा जो क्षेत्र होता है उस पर हम सवाल करते हैं। व्यवहारिक पक्ष, एक वैचारिक दृष्टिकोण, उस पर सवाल है, यह अलग बात है कि उन पर किसी भी तरह का जवाब नहीं आया है। और इसके लिए फिर जो कोशिश हो रही है वो कोशिश तब हास्यास्पद लगती है। मैं जानता हूं कि मैं जिस प्रसंग पर बात कर रहा हूं ये सवाल मेरे किसी वीडियो पर या मुझ पर नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सामाजिक विसंगतियों को उठाने वाले किसी भी भाई पर आए हैं तो ये हमें नागवार लगा है और इस पर हम अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं। वैसे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सवाल पूछने की स्वतंत्रता का अधिकार का सम्मान है, लेकिन आप वही पूछिए जिसके जो अधिकारी हैं। व्यवहारिक पक्ष पर आप उस व्यक्ति से सवाल जरूर पूछ सकते हैं जिसको आपने चुनौती दी है। जहां तक मुझे मालूम है उस व्यक्ति ने भी कभी इस बात का दावा नहीं किया कि वो आगम या आचार्य भिक्षु की मर्यादा का जानकार है। तब उस पर इतनी सवालों की फेरिस्त बना के छोड़ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके सवालों में उलझ जाएगा तो आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। यहां कोई नहीं उलझने वाला, सबके सामने अपना दृष्टिकोण है, सबके सामने अपनी विचारधारा है और यहां पर जितने भी लोग हैं वो उस क्षेत्र में हस्तक्षेप ही नहीं करते जिस क्षेत्र में उनको विशेष जानकारी नहीं है। जब बोलते हैं तो उस क्षेत्र की जानकारी के लोगों की आवाज बोलते हैं, उनके शब्द बोलते हैं, उनकी राय बोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक परिदृश्य में परंपराओं पर या फिर ग्रंथों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले यह समझा जाना चाहिए कि जब कोई व्यवहारिक पक्ष का सवाल करता है तो दर्वेकाल क्षेत्र का जवाब मिलता है। फिर कहा जाता है कि सर्वोच्च पद को अधिकार है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। और जब कोई दर्वेकाल क्षेत्र के आधार पर भी सवाल पूछ लेता है तब फिर यथोचित जवाब नहीं मिलता। शिकायत इस बात की है। मैं फिर कहता हूं, सवाल पूछने की स्वतंत्रता है, उस अधिकार का सम्मान है, पर मानसिकता यह होनी चाहिए कि जो जिस क्षेत्र से है उसको उसी क्षेत्र से उसी के संदर्भ का सवाल पूछा जाना चाहिए। समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी ज्वलंत घटनाएं हुई है और संबद्ध व्यक्ति उससे सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब मांग रहा है और उसके एवज में अगर ये सवाल आ जाए तो कितने उचित लगते हैं। यह कोशिश लगती है कि उस संबद्ध व्यक्ति को अपने सवाल पूछने से रोका जाए, पर ऐसे कोई रुकता नहीं है साहब, क्योंकि जो सवाल होते हैं उनको अपने जवाब चाहिए। दूसरे सवाल आ जाए
तो जो हमारे सवाल हैं वो कहीं उनमें दबते नहीं हैं। माफी चाहूंगा, ये मेरा बोलने का विषय नहीं था, लेकिन बोलना इसलिए पड़ा कि जो व्यक्ति अपना समय लगा रहा है धर्म संघ के लिए, समाज के लिए, हो सकता है उनके शब्दों से कहीं कुछ जगह हम भी सहमत न हों, लेकिन समय की जो निष्ठा है उससे हम सहमत हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं तो व्यक्ति को नहीं देखते और व्यक्तिगत रिश्ते को भी नहीं देखते। हम उसके लक्ष्य को देखते हैं और वहां पर हमें लगता है कि बोलना जरूरी होता है। माफ कीजिएगा अगर मेरे किसी शब्द से, मेरी भावना से किसी के दिल को तकलीफ हुई हो, पर निवेदन करता हूं कि संदर्भ के साथ संदर्भ को जोड़िए, सवालों के साथ जवाब जोड़िए, सवालों के साथ सवाल अगर दीजिए तो संदर्भ वाले दीजिए। बात हो रही है सामयिक ज्वलंत घटनाओं की और बात पूछी जा रही है ऐतिहासिक संदर्भों पर, कौन सा ग्रंथ, क्या लक्षण, पता नहीं क्या क्या 8-10 सवाल हैं। हमें खुशी है कि हमारे समाज में इतने विद्वान श्रावक हैं, इस बात हेतु हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन यहां पर यह सवाल उचित नहीं है। हम फिर निवेदन करते हैं, यही सवाल एक बार आप कुछ साधु संतों को भी पूछकर देख लीजिए, अगर उनमें से अगर आपको कहीं संतोषजनक जवाब न मिले तब फिर क्या करिएगा, उनसे सवाल पूछिएगा, कहिएगा कि आपने अब तक किया क्या। नहीं पूछ पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, तो फिर ये सवाल यहां पर क्यों पूछे जा रहे हैं। यह बड़ी बात है और इस पर विचार होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।